जैसा कि हम आपको बता दें, रामनगर पंचायत के सरपंच प्रत्याशी से एक और इंटरव्यू लेने के लिए करहरी गांव में आ चुके हैं, जो कि उनका चुनाव चिन्ह है स्टॉप छाप और वार्ड नंबर एक से खड़े हैं। तो सर का सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हम अपने चैनल पे। मैं ग्राम पंचायत राज रामनगर वार्ड संख्या एक से सरपंच प्रत्याशी मैं अनस खान बोल रहा हूँ। जैसा कि मेरा छाप है स्टॉप छाप। कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। आसिया खानम वार्ड नंबर एक से आप खड़े हैं। मान लीजिए कि सर आप जीत गए, तो आप ऐसा क्या कानून व्यवस्था करेंगे जो जनता को पसंद आया या आप करना चाहते हैं यहाँ पे? सबसे पहले मैं पूर्व उप सरपंच और पंच भी रह चुका हूँ। हाँ, रुक रहे हैं बीच में आपको, हम आपको बता दें जनता को कि जैसा कि इस बार पंच प्रत्याशी के लिए खड़े हुए, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों के साथ ज्यादा और राजनीति में भी इनका अच्छा योगदान रहा, तो काफी मजे हुए हैं ये, तो इनसे पूछना चाह रहे हैं। 20 साल से राजनीतिक लाइन में हूँ, मुखिया के साथ भी जुड़ा हूँ, मैं पंच के साथ में रहा हूँ, पंच बना भी हूँ, उप सरपंच भी बना हूँ। मैं रामनगर पंचायत के जो भी सरपंच रहा उनके साथ में मैं पंचायत भी स्तर पर भी काम किया हूँ, जैसे राजेंद्र राम हुआ, उसके बाद नारायण राम हुआ, बदल बगल में उसका नाम है मास्टर साहब जो ब्रांड मास्टर साहब थे, वो उनके साथ भी काम कर चुका हूँ, कई पंचायत में काम किया हूँ, पंचायत का काम किया हूँ, लेकिन इतना काम तो करता हूँ कि अपने स्तर से जो भी हुआ मैं पंचायत के अंदर में ही काम किया हूँ। जहाँ तक कि रह गई थाना पुलिस की बात, वहां तक मैं कारोबार जाने नहीं दिए हैं किसी भी। आपका कहना है कि पूर्व सरपंच जो रह चुके हैं रामनगर के, उनके साथ आप अच्छी तरह से काम किए हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि रामनगर की जनता जानना चाहती है कि कानून व्यवस्था किस तरह से चलाएंगे, लड़के लोग पे 107 हो जाता है बार बार, तो उसको रोकने के लिए क्या प्रयास? ये सब होने नहीं देंगे हम, इंशाल्लाह पंचायत के अंदर में है, लेकिन ये व्यवस्था हम आगे तक नहीं जाने देंगे, जहाँ तक हो ग्राम पंचायत ही में रह कर ये काम निपटारा कर लेंगे। जनता जानना चाहता है कि है कि आप काम करने का कितना उम्मीद देंगे उसको? इंशाल्लाह जहाँ तक हमसे बनेगा जमेगा मैं वहाँ तक करूँगा। जैसे व्यवस्था सरकारी जमीन होती है, स्कूल होता है, मीटिंग होती है, मैं उसमें मीटिंग में टीचर लोग हैं उनसे बैठ के हम अपनी बात रखेंगे, उनसे बात लेंगे, मीटिंग करेंगे, आगे जो शिक्षक लोग हैं उनसे मैं तक। सरकार इस बार से ईवीएम से मुखिया और उसके बाद वार्ड का चुनाव करवा रही है, सरपंच का बैलेट पेपर से ही करवा रही है, तो आप इससे कितना सहमत है सरकार के ये काम से? बहुत ही सहमत है उनसे, जो कि मुखिया और जिला परिषद का ईवीएम पर है, हमारा का नाम है मोहर पे है। अगर जनता आपकी बोल रही है कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है और उसको हाई स्कूल बनवाना है, जमीन आपके पास नहीं दिख रही है, सरकारी जमीन दूसरी जगह दिख रही है, तो सरकार से कितना लाभ आप लाके उसको स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे? जहाँ तक के जो भी हम सरकारी जमीन है, इंशाल्लाह अगर मैं जीता तो कहना है जो भी जमीन है सरकारी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक सरकारी का मतलब स्कूल होता है कॉलेज होता है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप अगर जीत गए तो किस प्रकार ना फर्जीवाड़े को खत्म करेंगे, जो 10-5 लेके कैंडिडेट बहुत सारे प्रत्याशी को परेशान करते हैं कि आप आधार कार्ड लेके आओ तब आप पे साइन होगा, जैसे पासपोर्ट हो गया, आवासीय हो गया, आय हो गया, तो आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं? ये तो अनिवार्य है, ये तो अनिवार्य है, जो कि कहना में फॉर्म आता है सिग्नेचर करेंगे, जो कि आधार कार्ड होना मस्त है। तो आपका कहना कि आधार कार्ड आप देखेंगे? जय सी बात है ना, तो फर्जीवाड़ा को खत्म करेंगे कि नहीं? आप नहीं, पैसे की चार्ज करेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, पैसे की चार्ज नहीं करेंगे, कैंडिडेट का बस आईडी प्रूफ देखना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने विपक्ष को किस प्रकार देख रहे हैं? आप विपक्ष को बहुत बढ़िया से देख रहे हैं, कुछ ऐसा विपक्ष है जो कि हमसे नाराजगी है, इंशाल्लाह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में आप बहुत पहले से हैं, तो आपको जनता का कितना समर्थन इस बार प्राप्त दिख रहा है? इंशाल्लाह मैं काम कर चुका हूं, हमारे काम पर जनता का नाम खुश है और खुश रहेगी, हमको अपने आप पर मैं खड़ा ना हूं, जनता ही चुना है, मैं खड़ा हूं जनता ही के कहने पर हम खड़ा हूं। तो आप 2 बार सरपंच रह चुके हैं,
तो वो कौन कौन सा साल था और उसके बाद पिछले बार आप खड़े हुए थे या नहीं हुए थे, जनता जानना चाहती। पिछले बार मैं ये 5 वर्ष जो गई है जो उसमें हम नहीं थे, लेकिन मुखिया के साथ में राजनीति करते थे, उनके साथ में जुड़े हुए थे, उनके साथ में मिलकर काम किया हूँ। इस दफा मतलब वो अपने लड़ रहा है, हमको कुछ समाज के लोग बोले कि ऐसा काम करो कि सरपंच लड़ो, मैं हम लोग समर्थन देता हूँ। सारी जाति के लिए आप काम करेंगे कि या आप खाली अपनी जाति के लिए काम करेंगे अगर जीत गए? मेरे पंचायत में जाति वादी कभी नहीं होगा, इंशाल्लाह ना होने देंगे। जो भी मेरे पंचायत के अंदर में जो भी हिंदू हो मुसलमान हो आठ धर्म कोई भी कास्ट है, मैं साथ में मिलकर काम करेंगे। जनता को कितना यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप उनके साथ अच्छे से अच्छे व्यवहार के साथ काम करेंगे? बहुत ही अच्छा व्यवहार हमको मिलेगा, उससे भी ज्यादा जिनको मिलेगा उससे ज्यादा हम व्यवहार से काम करेंगे। अच्छा, हिंदू फैमिली का अब भी सबसे बड़ा अपने बिहार में खास करके त्यौहार होता है दीपावली और छठ पूजा, तो छठ पूजा की हिंदू फैमिली को कितना बधाई? मैं अभी भी कना में कुछ लोग आए हुए थे, हमारे बगल में मुसहरी है, आए हुए थे कि कुछ घाट घाट के लिए सजावट के लिए पैसा दीजिए, उनको मैं हाँ कर दिए, कहा कि ठीक है जो सजावट का पैसा लगेगा हम देंगे। तो ये आपका कहना है कि आप पहले हिंदू समाज के साथ काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे सत्ताधारी पार्टी में रहें या ना रहें? जी ना, कुछ में है विरोध, कोई दिक्कत नहीं हमारे से। कहा था कि अपने जीत पर, तो शहर कहा था मैथिली भाषा में कि अपना जीत पर अरल छी तो अरल, कुटुम्ब मीनार पर चढ़ल छी चढ़ल, आ ऊपर से जो गिरी है तो इस समाज के लोग कहीं खूब मंगला पड़ल। जनता बहुत अपने रामनगर की है जो मैथिली बहुत कम जानती है, तो आप उसको हिंदी में बताने की या आप अपने बताने की कोशिश करें। जी जी जी, मैं अपने भाषा में मैथिली में हूँ, मैथिली भाषा से समझा सकता हूँ। तो हिंदी में थोड़ा जनता को उसके बारे में बता दे कि क्या उसका हुआ अनुवाद? अनुवाद जो कहना में खुद से खुद कहना में जनता लोग समझ गई होंगी। ठीक है तो आप एक बार और अपने प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह स्टॉप छाप जो है वार्ड नंबर बता दें। एक से एक वार्ड नंबर एक हुआ, स्टॉप छाप हुआ, फर्स्ट क्रमांक संख्या में है स्टॉप छाप। तो कैमरे के पीछे है सज्जू और मैं फरहान खान, आपका लाइव न्यूज में स्वागत करता हूं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।